एकदम खस्ता। हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ आटे की बहुत ही ज़्यादा खस्ता मसालेदार मठरी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो इसे आप 15-20 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। कहीं बाहर सफर पर आप जा रहे हैं तो इसे बहुत ही ईजीली अपने साथ ले जा सकते हैं, और हल्की फुल्की भूख में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाना इसे। तो मैंने लिया है ये गेहूं का आटा। तो हम इस गेहूं के आटे को, ये 2 कटोरी लेंगे हम गेहूं का आटा। ये नॉर्मली आटा है जिससे कि हम डेली की रोटियां बनाते हैं, वही आटा है। तो मैंने ये 2 कटोरी आटा ले लिया। तो गेहूं का आटा लेने के बाद में मैं डालूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है, तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। और साथ ही ली है मैंने ये थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है। आपको इसका चटपटा टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसे डालें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे चटपटी मठरी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसे डाल रही हूँ। तो कुटी हुई ये आधा चम्मच है लाल मिर्ची, और ये आधा चम्मच ही लिया है मैंने अजवाइन। ओके, अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह की फ्राइड चीज़ों में। और ये मैंने अजवाइन डाल लिया है। और इसके बाद में आधा चम्मच ही लिया है मैंने जीरा, ये भी ऑप्शनल है। आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसे डालिए। इसे डालने से बहुत ही अच्छा इसमें एक टेस्ट आता है। ओके, तो जीरा भी डाल लिया है। उसके बाद में ये लिया है मैंने 1 चम्मच ही लिया है मैंने कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी का भी ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है इसे तो आप डालिए, वरना इसे स्किप कर दीजिए। ओके, तो इसके बाद में हम बना लेंगे इसमें छोटा सा एक होल। और इसमें डालेंगे हम, 2 कटोरी लिया था हमने ये आटा, और इसमें मैंने आधा कटोरी मोई डालना है। ओके, तो आधा कटोरी मैंने डाल दिया है। और इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक कि सारे मसाले और जो ऑयल है वो अच्छे से सारे आटे में मिक्स नहीं हो जाता है। तो इस तरह से मसलते हुए मैंने इसे बिल्कुल मिक्स कर लिया है। इस तरह से दबाने से ये डो इकट्ठा हो रहा है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक पूरी वाला आटा बनाएंगे, जिस तरह की पूरी का आटा बनाते हैं टाइट वाला। तो हम इसका आटा गूंथ लेते हैं टाइट। आप इसमें एक साथ ही पानी ना डालें, पानी इसमें ज़रूरत के हिसाब से डालें। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे आप एक, जिस तरह से पूरी का आटा होता है उसी तरह का आटा आपको गूंथ लेना है। एकदम मीडियम सॉफ्ट, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होने वाला है। तो पूरियों का आटा मैं रेडी कर लेती हूँ। आटा मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है, आपको दिखाती हूँ। इस तरह का मैंने आटा गूंथा है बिल्कुल, ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है इसे कर देते हैं एक साइड में। और ये मैंने आधा कटोरी मैंने घी लिया था, तो मैंने इसमें से करीब 2 चम्मच घी बचा के रखा है। तो हम इसमें डालेंगे मैदा, और हम इसका एक घोल बना लेंगे मठरी के अंदर लगाने के लिए। तो मैं ये इसमें 2 चम्मच मैदा डाल लेती हूँ। ओके, ये मैंने 2 चम्मच इसमें से मैदा मिला दिया। तो इसका एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं पहले। तो मैंने इसका गाढ़ा घोल बना लिया, इस तरह का पेस्ट बना लिया है। और अब चेक कर लेते हैं आटा। ओके, आटा किस तरह सेट हो गया है अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा इसे गूंथ लेते हैं 2 मिनट के लिए। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो हम इसके करीब समान आकार के बना लेते हैं 4 पेड़े। ओके, और इसकी हम लोइयां बना लेते हैं इस तरह से। तो मैंने 4 पेड़ों की बना ली हैं इस तरह से लोइयां। ओके, और अब हम इसे बेलेंगे। ओके, तो कर देते हैं एक साइड में। और ये रोटियां मैं इसी फर्श पे करूंगी साफ। तो मैं एक साफ कपड़े से इसे इस किचन फ्लोर को अच्छी तरह से और साफ कर देती हूँ, बिल्कुल साफ है ये। ओके, इसके बाद में हम इसी पर ये रोटियां बेलेंगे 4ों की। तो जिस तरह से एक रोटी होती है पतली, उसी तरह से हमें इसे बेलना है पतला पतला। 4ों जो हमने ये पेड़े बनाए हैं उनकी 4 रोटियां बना लेनी है इस तरह से। पतला बनाना है, जितना आप पतला बनाएंगे आपकी जो मठरी है वो एकदम कुरकुरी और बढ़िया बनेगी एकदम। तो हम इसे पतला बेल लेते हैं। किनारों का थोड़ा बहुत ये गोल ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पतला बेलना है। ओके, तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है पतला, आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पतला बेल लेना है बिल्कुल। और इस रोटी को मैं इसी में रख लेती हूँ प्लेट के अंदर ही, इस तरह से रख लेंगे इसी के अंदर। और बाकी जो लोइयां हैं उनको भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं पतला।
अगर ज़्यादा गोल नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप इस तरह से मैनेज कर लीजिए। इस तरह से तो मैंने चारों रोटियों को बेल लिया है, आपको दिखाती हूँ, पतला बेला है। ओके, तो मैंने इनको बेल के रेडी कर लिया है और अब हम इस पर जो मैंने ये मैदे का जो घोल बनाया था उसे हम इस पर लगाएंगे। ओके, तो हाथों से लगा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसे लगा लेते हैं। ओके, तो मैंने ये लगा लिया है और इसके बाद जो मैंने ये रोटी बेली है से लाएंगे। ओके ओके, हाँ, और इसके बाद जो दूसरी रोटी मैंने डाली है उस पर ही इसी तरह से लगा लेंगे। तो चारों रोटियों को इसी तरह से हम इसे लगा लेते हैं। तो मैंने ये चारों रोटियां ले ली हैं। ओके, और इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं इसे। तो इन चारों रोटियों पर लगाने के बाद हम इसे एक साइड से इस तरह से लाएंगे, इसे रोल बनाते हुए, और टाइटली इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। तो टाइटली एक तरफ से इसे लाएंगे मुड़ते हुए, देखिए इस तरह से, ताकि इसके जो किनारे हैं वो एकदम सेट हो जाएं। और देखिए तो इसे टाइटली खींच देंगे इस तरह से, तो अंदर से जो इसके एयर होगी वो आराम से निकल जाएगी। और इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इस तरह से करते हुए, ताकि इसकी लेयर खुले ना। तो मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से चिपका लिया है, ताकि इसके जो लेयर्स हैं वो खुले ना। और अब हम इसे कट करेंगे अपने मनपसंद साइज में, आपको छोटी पतली कैसी बनानी है। तो मैं इस तरह से इसे कट करूंगी, करीब 1 इंच के टुकड़े में इसे काटेंगे। सबको इक्वल साइज में काटना है, समान आकार में। इस तरह से काट लेते हैं सभी को। तो मैंने सबको काट लिया है। ओके, तो काटने के बाद में हमें इस तरह से उठाना है और इसे थोड़ा सा गोल बना लेना है, ताकि इसके जो आसपास के जो लेयर हैं वो खुले ना। और इसे इस तरह से हथेली से प्रेस करके रख लेंगे और बाद में इसे बेलेंगे। तो सारे लेयर को इस तरह से इकट्ठा करना है ये गोल साइज में, ताकि जो आसपास के जो लेयर बिखरे हुए हैं वो चिपक जाएं। और इसे इस तरह से हथेली से प्रेस करके और सबको हम रेडी कर लेते हैं। और देखिए इसके लेयर खुल रहे हैं, तो इसको इस तरह से समेटते हुए गोल साइज में करेंगे और इसे हथेली से प्रेस करके हम सारी रोलियों को रेडी कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसकी सारी लेयरें इतनी घूम घूम के आ रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इसको फ्राई करने के बाद में सारी लेयर एकदम खुल के आएंगी। तो देखिए इस तरह से आप जो आसपास की लेयर हैं उसे थोड़ा टाइट कर लीजिए, ताकि ये खुले ना। और इस तरह से हथेली से प्रेस करते हुए इसे रेडी कीजिए। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयां कर ली हैं रेडी। ओके, और अब हम इसे हल्का सा बेलेंगे। ओके, तो मैं इसे इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए। तो इसे हल्का सा हम बेलेंगे थोड़ा पतले साइज में। ओके, तो हम इसे इस तरह से बेल के रखते जाते हैं सभी को। अगर आप चाहे तो आप इसे इस तरह से बेलन से बेल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हाथ से करना, तो इस तरह से आप हथेली से इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हो। ओके, तो देखिए इस तरह से भी आसानी से हो जाता है। तो रेडी कर लेते हैं सबको ऐसे ही। तो सबको मैंने इस तरह से कर लिया है रेडी। आधे को मैंने बेलन से बेला है और आधे को मैंने हाथ से इस तरह से प्रेस किया है। तो अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल, तो इसे पहले गरम कर लेते हैं। तो ऑयल गरम हो गया है, इसके लिए आपको ज़्यादा हाई ऑयल गरम नहीं करना है, बस मीडियम करना है। तो इसमें डालते हैं ये और इनको कर लेते हैं कुरकुरा फ्राई। तो एक बार में जितना आसानी से आ जाए आप उतने डाल दीजिए।
और जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो आप इनको धीरे धीरे पलट दीजिए। और आप देख रहे हैं इसके जो लेयर्स हैं बिल्कुल एकदम खिले खिले आ रहे हैं, तो हम इनको पलट देते हैं और इनको कुरकुरा होने तक करेंगे फ्राई। तो 5-6 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर इनको पकाते हुए। देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया है गोल्डन कलर का। तो हमें इन्हें एक जाली में निकाल लेते हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और आप देख सकते हो सारे लेयर्स इसके एकदम क्लियर आए हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसे खाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरे हैं एकदम। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आया है। इसी कलर में आपको इसे फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो सारे खस्ता लेयर सिक्के हो गए हैं एकदम रेडी। और आप देख सकते हैं एकदम लेयर्ड इसकी खुली खुली आई हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ठंडा होने के बाद में आप इसे एक डब्बे में भर के रख लीजिए और जब भी आपका मन करे तब आप इसे ट्राई कीजिए। हल्की फुल्की भूखो तभी आप इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप कहीं लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और देखिए कितने सारे इसमें लेयर हैं, बहुत ही कुरकुरे खस्ता है। बाय बाय, सी यू। अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।